आप गलत तरीके से शॉर्ट्स को अपलोड करती हो, इसीलिए या तो जीरो व्यूज आती है और अगर कोई शॉर्ट वायरल होता है तो बन के टू के व्यूज आने के बाद में रुक जाता है। लेकिन मैं सही तरीके से शॉर्ट अपलोड करता हूं जिसकी वजह से 11 घंटे में 500 चेक के व्यूज आती है। एक दिन पहले वाले शॉर्ट पर 493 के व्यूज आते हैं क्योंकि मैं सही तरीके से शॉर्ट को अपलोड करता हूं। एंड देखिए गाइस, पहली गलती आप YouTube एप्लीकेशन में शॉर्ट को अपलोड करते टाइम यहां पे करती हो, दूसरी गलती टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लिखने में करते हो, तीसरी गलती बाइट स्टूडियो में इन सेटिंग्स को गलत सिलेक्ट करते हो। अब अगर आज आप इस वीडियो को छोड़कर जाओगे या तो आपके शॉर्ट्स पर जीरो व्यूज आएंगे और अगर कोई शॉर्ट गलती से वायरल हो गया बन के टू के व्यूज आने के बाद में रुक जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना क्योंकि इसी चैनल पर आपको शॉर्ट से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलते हैं। अब शॉर्ट को अपलोड करने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद में क्रिएट अ शॉर्ट पर क्लिक ना करके अपलोड अ वीडियो पर क्लिक करना है, उसके बाद में उस वाले वीडियो को आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद में इतना करने के बाद में सबसे पहला ऑप्शन आता है थंबनेल लगाने का। थंबनेल के बारे में नहीं जानते, अभी आपको मैं बताता हूं। अगर आप थंबनेल नहीं लगाओगे तो आपके शॉर्ट वायरल हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, साइड में जरा ध्यान से देखिए, इस वाले शॉर्ट पर 7 मिलियन व्यूज है। क्यों है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आगे निकाला, ठीक है, थोड़ा सा आगे स्क्रॉल किया, अनन्या पांडे की इस वाले शॉर्ट पर 12 मिलियन व्यूज है। क्यों है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर मैंने जॉइन सक्सेस सर्च किया, इस बंदे के एक शॉर्ट पर जो है मिलियन में व्यूज आते हैं। मैं जरा शॉर्ट में आया, ठीक है, यहां पर देखिए इसके एक शॉर्ट पर मिलियन में व्यूज इसीलिए आते हैं क्योंकि ये अपने शॉर्ट में अजीब टाइप के थंबनेल लगाता है। अब इनको आपको कैसे लगाना है वो जरा ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद में ये प्रोसेसिंग लेगा। अब देखिए गाइस, ये जो नीचे पट्टी है इसको आपको वहां पर लेकर आना है जहां पर आपके थंबनेल में कुछ अजीब हो रहा हो, ठीक है। तो देखिए गाइस, मैंने जो है लास्ट में इसको सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि ये थंबनेल जब ऑडियंस के सामने जाएगा होम पेज पर, ऑडियंस इस पर क्लिक करेगी एंड इस वाले शॉर्ट को देखेगी, उसके बाद मैं जो है डन पर क्लिक करूंगा। अब देखिए गाइस, अगर आपके YouTube में ये पेंसिल का आइकन नहीं आता है तो प्ले स्टोर पर जाइए एंड YouTube एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए। अब यहां पर आपको कुछ भी छिड़कानी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको अपलोड शॉर्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस, उसके बाद में आपको अपने बाइट स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करना है, सारा काम इसी एप्लीकेशन से होगा। उसके बाद में कंटेंट पर क्लिक करना है, उसके बाद में शॉर्ट वाले सेक्शन में आ जाना है। अब अभी जो अपन ने शॉर्ट अपलोड किया था वो यहां पर आ चुका है, इस पर आपको जो है क्लिक करना है, उसके बाद में एडिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए गाइस, सबसे पहले नंबर पर रहता है टाइटल, आगे इसमें बहुत सारी सेटिंग आपको सही करनी पड़ेंगी तभी आपके शॉर्ट वायरल होंगे। फॉर एग्जाम्पल मोर ऑप्शन में गया, इतनी सारी सेटिंग आती है, ठीक है, सारी चीजें बन बाई बन करके समझाने वाला हूं। टाइटल में देखिए गाइस, सबसे पहले आपको डेट को हटा देना है, उसके बाद में आपको एक क्लिकबेट टाइटल लिखना है। क्लिकबेट टाइटल क्यों लिखना है, क्योंकि लिखना जरूरी है, समझ रहे हो ना। उसके लिए मैं जो है मैंने कॉपी करके रखा है, मैं क्लिपबोर्ड में गया, मैंने यहां से टाइटल यहां पर डाल दिया। अब मेरा टाइटल क्या है, पापा की परियों के गजब कारनामे, उसके बाद में फन्नी सा इमोजी, पापा की परियों के गजब कारनामे मैंने क्यों डाले हैं, क्यों डाला है, क्योंकि ये पापा की परियों के गजब कारनामे वाली कॉमेडी शॉर्ट्स का ट्रेंडिंग टाइटल है उस कैटेगरी का। उसके बाद में वेट फॉर एंड डाला है, उसके बाद में मिस्टर इंडियन हैकर को मेंशन किया है एंड उसके बाद में हैशटैग शॉर्ट लगाया है। मेंशन मैंने क्यों किया है, क्योंकि मेंशन करने से मेरे हर एक चैनल पर व्यूज आती है। अब देखिए गाइस, टाइटल की बात खत्म हो गई, डिस्क्रिप्शन में आया, मैंने जो है एक डिस्क्रिप्शन जो है कॉपी करके रखा है, मैं पहले उसको जो है यहां पर डायरेक्ट पेस्ट करता हूं, ठीक है। मैंने पेस्ट किया, अब मैं इसमें सबसे ऊपर आ गया, सबसे ऊपर देखिए मैंने क्या किया है, पापा की परियों के गजब कारनामे वेट फॉर एंड मिस्टर इंडियन हैकर, उसके बाद में हैशटैग शॉर्ट। अब ये जो मिस्टर इंडियन हैकर है ये सही तरीके से यहां पर मेंशन नहीं हुए हैं, ठीक है, तो मैं जो है यहां पर क्लिक करूंगा, उसके बाद सबसे पहले तो मैं जो है इसको कट कर दूंगा, ठीक है। अब मेंशन का ये जो आइकन आ रहा है उसके बाद मैं लिखूंगा मिस्टर इंडियन, इतना लिखूंगा, नीचे चैनल आ गया, ठीक है, मिस्टर इंडियन हैकर, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, मेंशन हो गया। सेम उसी तरीके से नीचे देखिए गाइस, मैंने कितने सारे चैनल को मेंशन करके रखा है,
तो इनको भी ये सही तरीके से भी मेंशन हुए नहीं है, ठीक है, एक बार में होते नहीं है। मैं यहाँ पर लिखूंगा अंकेश, ठीक है, ये अंकेश धाकड़ आ गया, ठीक है, उसके बाद में अंकेश धाकड़ ब्लॉक से, इसको जो है मैं पहले कट करूंगा, उसके बाद में अंकेश धाकड़ ब्लॉक से आ गया। अब देखिए गाइस, इसी तरीके से आपको मेरे मोबाइल में ये जो मेरे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूबर दिख रहे हैं इनको मेंशन कर देना। उससे पहले आप अपने सोशल मीडिया के हैंडल के लिंक दे सकते हो, ठीक है, इससे मोनेटाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है अगर सोशल मीडिया हैंडल के लिंक डालते हो। उसके बाद में जो है इनको आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद में बात आती है हैशटैग की, हैशटैग भी आप मेरी तरह हैशटैग डाल सकते हो यहां से देख के, ठीक है। उसके बाद डिस्क्लेमर मैंने डाल रखा है, मतलब कि आपको सेम इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन डालना है, ठीक है। इस फॉर्मेट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन का बता दिया। चलो भाई, डिस्क्रिप्शन की बात खत्म हो गई, उसके बाद मैंने बैक किया। अब यहां पर जो है अपना शॉर्ट अनलिस्टेड में अपलोड है, ठीक है, यहां पर आपको जो है क्लिक करना है। तीन ऑप्शन मिलती है, पब्लिक, अनलिस्टेड, प्राइवेट। अब आपको जो है इसको शेड्यूल करके अपलोड करना है, ठीक है। लेकिन देखिए गाइस, यहां पर एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपको अपने शॉर्ट को सुबह के 7 बजे पब्लिक करना है, अपलोड करना है, तो आपको क्या करना है, सुबह के 6:45 पर शॉर्ट को अपलोड करना चालू करना है। उसके बाद में देखिए गाइस, आप तब तक क्या करोगे, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन वगैरह लगाओगे। अब यहां पर आपको शेड्यूल लगाना है, ठीक है, कैसे लगाना है, जैसे अभी 6:44 हो रहा है, मुझे इसको शाम के 7 बजे पब्लिक करना है, आज 12 जुलाई है, ओके पर मैंने क्लिक किया एंड, यहां पर मैं जो है 7 बजे सिलेक्ट करूंगा, मैंने 7 पे क्लिक किया और शाम के टाइम पीएम होता है, पीएम पे मैंने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। सेट एज प्रीमियर आपको भूल कर भी नहीं करना है, ठीक है गाइस। उसके बाद मैंने बैक किया, अब यहां पे ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑडियंस का, इस पे मैंने क्लिक किया, दो ऑप्शन मिलती हैं, यस इट्स मेड फॉर किड्स और नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। नीचे एज रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, एडवांस्ड, आपको ऊपर वालों में कुछ सिलेक्ट नहीं करना, नीचे वालों में नीचे वाले को सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैंने बैक किया, ठीक है। यहां पर अगला ऑप्शन आता है एड टू प्लेलिस्ट, इस पर मैंने क्लिक किया, यू डोंट हैव एनी प्लेलिस्ट, मतलब कि मैंने अपने इस चैनल पर कोई प्लेलिस्ट बना के नहीं रखी है। लेकिन देखिए गाइस, आपको अपने शॉर्ट चैनल पर प्लेलिस्ट बना के रखनी चाहिए। नीचे ऑप्शन आता है मोर ऑप्शन, यही तो मेन चीज है जिसकी वजह से या तो आपके शॉर्ट पर 0 व्यूज आती हैं या फिर 1K 2K के आने के बाद में रुक जाती हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आता है टैग्स, तो टैग्स में सबसे ऊपर आपको अपने टाइटल को डालना है। मैं जो बैक करूंगा यहां से अपने टाइटल में से पापा की परियों के गजब कारनामे को कॉपी कर लूंगा और बेट पर एंड को कॉपी कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद वापस से टैग्स में आके अब सबसे ऊपर यहां पे मैं डालूंगा क्या, बेट पर एंड, ठीक है। उसके बाद मैं यहां क्लिक करूंगा, क्लिक बोर्ड में जाकर के पापा की परियों के गजब कारनामे इसको भी डाल दूंगा। उसके बाद में आपको अपने शॉर्ट चैनल का नाम डालना है, ठीक है। मैं जो अपने लॉन्ग चैनल का नाम डाल देता हूं, मैंने डाल दिया। उसके बाद में आपकी कैटेगरी के जो भी बड़े यूट्यूबर हैं, या फिर कैटेगरी को छोड़िए, आपको मैं जिन यूट्यूबर का नाम बता रहा हूं उनको डालना है, ठीक है। मिस्टर इंडियन हैकर, उसके बाद में क्रेजी एक्स बाय जेड, ठीक है। उसके बाद में सौरभ जोशी ब्लॉग्स, इनको डाल दिया। उसके बाद में आपको क्या डालना है, शॉर्ट्स डालना है, ठीक है। शॉर्ट्स बाय टी शॉर्ट्स यूट्यूब शॉर्ट्स, उसके बाद में ध्यान से देखते चलिए, शॉर्ट्स पीड, उसके बाद में शॉर्ट्स शॉर्ट वीडियो, उसके बाद में वायरल। आपको भी सेम टू सेम इन्हीं टैग्स को डालना है, ठीक है। उसके बाद में ट्रेंडिंग, उसके बाद में वायरल शॉर्ट्स, उसके बाद में ट्रेंडिंग शॉर्ट्स। इतना डालने के बाद में आपको क्या करना है, अब आपके सामने नीचे एक और ऑप्शन आएगा शॉर्ट्स रिमिक्स का, इस पर आपको जो है क्लिक करना है, इसको हमेशा अलाउ करके रखना है ताकि आपके शॉर्ट पर कोई और बंदा शॉर्ट बना सके। इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए, आपको इसमें जो है अलाउ वीडियो एंड ऑडियो रिमिक्सिंग, इस पर क्लिक करके रहने देना है। उसके बाद में बैक करना है, उसके बाद में आपको आता है कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए। कैटेगरी में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है मैंने पीपल्स एंड ब्लॉक्स सिलेक्ट कर रखी है, यहाँ पर आपके सामने इतनी सारी कैटेगरी आ जाती है, इनमें से कौन सी कैटेगरी में ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट वायरल होते हैं। तो सबसे पहली आपको बात ये ध्यान में रखनी है, अगर आप गेमिंग शॉर्ट्स बनाते हो तो आपको जो है गेमिंग सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप कॉमेडी शॉर्ट्स बनाते हो तो आपको जो है कॉमेडी सिलेक्ट करना है। अब अगर आप जो है
एजुकेशन से रिलेटेड शॉर्ट्स बनाती हो तो एजुकेशन सेलेक्ट करना है। लेकिन देखिए गाइस, अगर आपका चैनल नया है तो मैं तो कहूंगा कि आपको जो है पीपल्स एंड ब्लॉग्स को सेलेक्ट करके रखना चाहिए। लेकिन देखिए गाइस, अगर आपको जानना है कि आपके चैनल के हिसाब से कौन सी कैटेगरी सही रहेगी तो मैंने इस वाले वीडियो में बहुत महीने पहले बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना अगर डिटेल में समझना है। उसके बाद में आता है कमेंट्स। कमेंट में आपको क्या करना है, इतने सारे ऑप्शन मिलती है, अलाउ ऑल कमेंट्स होल्ड वाला, ठीक है, इसके नीचे आता है ओल्ड ऑल कमेंट रिव्यू, ठीक है, डिसेबल कमेंट, इनमें से आपको क्या करना है। तो मैं तो कहूंगा आपको जो है अलाउ ऑल कमेंट्स पर क्लिक करके अलाउ ऑल पर क्लिक कर देना है, ठीक है गाइस। उसके बाद में आपको बैक करना है। अब यहां पर एक और ऑप्शन आता है, शो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो। इसका मतलब है जब कोई बंदा आपके शॉर्ट को देखेगा तब उसको देखेगा कि आपके शॉर्ट पर कितने लाइक्स हैं। लेकिन देखिए गाइस, अगर आप इसको अनटिक कर दोगे तो उसको नहीं देखेगा। मतलब कि आपको स्टार्टिंग में जब आपके शॉर्ट पर कम लाइक्स आते हो इसको जो है आपको अनटिक करके रखना है। उसके बाद में स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, ठीक है, और यहां पर जो है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस पर क्लिक करके रखना है और नीचे अलाउ एम्बेडिंग पर क्लिक करके रखना है, ठीक है। उसके बाद में बैक करना है। एंड देखिए गाइस, सबसे बड़ी बात ध्यान में क्या रखना है, डिस्क्रिप्शन में मैं गया, अब यहाँ पे मैंने अकेले अंकेश दाकड़ और अंकेश दाकड़ ब्लॉग्स को मेंशन किया है। आपको इस तरीके से ये जितने भी यूट्यूबर के नाम लिख रहे हैं इनको सही तरीके से मेंशन करना है, ये मेंशन हुआ नहीं है, ठीक है। मेंशन जब हो जाता है तो अलग ही तरीके से होता है, ठीक है, ऊपर एक खबर सा आ जाता है ये अब हुआ है मिस्टर बीस्ट, ठीक है, पहले नहीं हुआ था। इसी तरीके से आपको सबको करना है, ठीक है। हैशटैग आप ध्यान से देख सकते हो। उसके बाद में बैक करके आपको आसानी से सेव पर क्लिक कर देना है और आपका शॉर्ट वायरल हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपके हर एक शॉर्ट वीडियो पर मिलियन में व्यूज आए तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको अपने चैनल पर एक दिन में कितने शॉर्ट अपलोड करने चाहिए, एक दिन में कितने शॉर्ट डालने से वायरल होते हैं। इस वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बता रखा है, तो इस वाले वीडियो पर अभी क्लिक करो एंड इसको अभी के अभी वॉच करो।